अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक नहीं, एक्चुअली इंस्टा आईडी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्लीज़ थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, सर्च करके आपको थोड़ा फॉलो वॉलो कर लीजिएगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, मेरे को ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइज अभी बज रहा है सुबह का 7 और मेरा आग भी थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और कल अपना दिन भर ड्यूटी नहीं था गाइज, दिन भर मतलब ऐसे हम लोग स्टैंड बाई में ही रह गए, इसलिए कल वीडियो ही नहीं डाले हम, क्योंकि कहीं गए ही नहीं तो क्या ही वीडियो डाले, कुछ था ही नहीं डालने के लिए। लेकिन कोई नहीं, भगवान लगता है सुन लिया, और कल रात में ही ड्यूटी कट गया, ड्यूटी के लिए कमान कट गया हम लोग का। कल वही 9 बजे के आसपास ड्यूटी के लिए कमान कटा, और अभी जाना है हम लोग को ड्यूटी। तो चलिए चलते हैं, नहा धो करके फटाक से आते हैं, वर्दी पहन के रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नहा धो करके तो आ गया गाइस, चलिए चला जाए, वर्दी पहन के तैयार हो जाए, वर्दी वगैरह लगा करके हो गया है रेडी और अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए। लेकिन हमने ड्यूटी यही नज़दीक है, ये देखिए पीछे जो बिल्डिंग है ना वहीं पर, और हम सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो चलिए चल के पहले खाना खा लिया जाए, फिर निकलेंगे ड्यूटी के लिए। आ गए एमएस गाइस, और आज अपने से बना है चावल दाल और सब्जी। चलिए ड्यूटी जाने से पहले फटाक से खा के चला जाए, खा पी के एकदम रेडी है गाइस हम लोग ड्यूटी पर जाने के लिए। चलिए चला जाए ड्यूटी अब, और ड्यूटी अपना ज़्यादा दूर भी नहीं है, दिखाते हैं आपको कहाँ पर है अपना ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे बाकी लड़का लोग जाता अपना अपना ड्यूटी। और ये रहा अपना ड्यूटी, बिशप वेस्टकोट्स गर्ल्स स्कूल, यहीं पे आज अपना ड्यूटी है गाइस, जेपीएससी सिविल जज का। चलिए चलते हैं अब। अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुआ है गाइस, अभी 9 बजे से एंट्री स्टार्ट होगा, तब तक यहीं पर टहलते हैं घूमते हैं। सबको एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्कैनिंग हो रहा है, इसके बाद सब क्लास में जाएंगे। मोबाइल आपका? सब वेरिफिकेशन वगैरह ख़त्म गाइस, और अभी हो गया एग्ज़ाम स्टार्ट सबका। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग। एग्ज़ाम कंटिन्यू है गाइस, अपना चल ही रहा है, और अभी बज रहा है लगभग 12, एग्ज़ाम ख़त्म हुए मतलब एग्ज़ाम शुरू हुए 1 घंटा हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग भी थोड़ा सा टेंट चल के नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। नाश्ता वास्ता तो हो गया अपना, अब चला जाए अपने सेंटर पर। छुट्टी हो गया गाइस फाइनली सबका, सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं एग्ज़ाम देके। ड्यूटी हो गया ख़त्म गाइस, चलिए चला जाए वापस जयपुर फाइनली स्कूल को बाय बोल के, मज़ा आया ड्यूटी करने में। पहुंच गए टेंट गाइस, चल के चेंज वेंज किया जाए अब। भाई साहब सुबह से हालत ख़राब हो गया, एक तो एग्ज़ाम हम लोग का 3 घंटा पहले ही ख़त्म हो गया था, अभी छोड़ा है हम लोग को वहाँ से। भाई 5-10 मिनट ट्राई किए सोने का, लेकिन सो नहीं पाए क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगा है, सुबह का ही खाए थे मतलब नाश्ता ही हुआ था, उसके बाद से कुछ खाए नहीं। तो चलिए चल के पहले कुछ खाया जाए, फिर दोबारा ट्राई करेंगे सोने का। देखते हैं गाइस कि अभी क्या ले सकते हैं खाने के लिए। वैसे आना तो चाहते थे हम 6 बजे के बाद, लेकिन अभी भूख लग गया, कोई नहीं उस टाइम भी आ जाएंगे, अभी भी चलिए चल के कुछ खाते हैं। कोट के लिए जी गाइस, चलिए यही खाते हैं। चलिए पेप्सी पीते पीते चला जाए वापस जयपुर, बहुत हो गया खाना पीना गाइस। सो करके तो उठ गया गाइस, और जैसे ही सो के उठे बहुत तेज सर दर्द कर रहा था, तो तेल लगा लिए, देखे इससे ठीक होता है कि नहीं, नहीं तो फिर मेडिसिन ही लेना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है। आज तो अपना ड्यूटी था वैसे, और हम लोग को 3 बजे के आसपास ही छोड़ दिया गया था। अब हम इस असमंजस में है कि कल अपना ट्रेनिंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर हुआ तो उसका तैयारी करके रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले अपना जूता और बेल्ट पॉलिश कर लेते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हम लोग का जूता और बेल्ट पॉलिश होता है, उसके बाद चलेंगे फिर थोड़ा नाश्ता करने। सबसे पहले अपना बेल्ट उतारेंगे, ये तो रोलकोल वाला बेल्ट है, ये अपना परेड वाला बेल्ट है। उसके बाद जाएंगे डेनियल के पास और उसका पीतल पॉलिश उठाएंगे। ये रहा पीतल पॉलिश और ये रहा ख़राब कपड़ा। सबसे पहले बेल्ट के सब कड़ी को निकाल लेंगे। और इसको रख देंगे साइड। सुनवाया पबजी खेल रहे गाइस, उनका बात को थोड़ा इग्नोर किया जाए। थोड़ा सा पीतल पॉलिश को निकाला जाए, थोड़ा सा इस ढक्कन से, एक ढक्कन ले लेंगे
ये देखिए बिफोर बिफोर एंड आफ्टर भी आपको दिखाया जाएगा, टेंशन ना। इसका जितना गंदगी है सब मेरे हाथ में लग जाएगा और ये साफ हो जाएगा। देखिएगा अभी हाथ मेरा नॉर्मल है। देखिए अभी से अब ये से करिया होके लगलो। ये आफ्टर और ये रहा मेरे हाथ का भी बिफोर एंड आफ्टर। कोई नहीं दूर आ जाएगा। चमक गया ना भाई, चमक गया। इसमें और इसमें देखिए कितना फर्क है। फर्क तो है भाई, इतना चमका दिया कि सोना बता के बेच भी सकते हैं इसको। इतना रगड़ने के बाद भी सर तारीफ नहीं करते हैं कि हाँ राहुल तुम्हारा बेल्ट मस्त चमक रहा। बोलते हैं कि और साफ करो और रगड़ो। इतना इतना चमकाने के बाद भी कितना बार सजा भी मिल चुका है हमको, बेंग बनवाए हैं सिर्फ। सर तारीफ किसका करते हैं, पाठक जी का, जो क्यों भी मेरे ही जैसा चमकाते हैं तब भी। चलिए फाइनली अपना बेल्ट हो गया सारा क्लीन। और ये देखिए अपना हाथ वरना फिर इसको यही कपड़ा से साफ कर लेते हैं तो फिर यही बेल्ट में लगेगा। बेल्ट भी पॉलिश करना रहता है हम लोग मुल्तानी मिट्टी से, जो कि हम आज नहीं किए हैं। कल सर लुक का अगर मूड अच्छा रहा तो हमको छोड़ देंगे, नहीं तो फिर बेंग या मकड़ा कुछ तो बनवाएंगे, कुछ तो बनाएंगे गाइस। राहुल नहीं रहने देंगे हमको, तो कल ही पता चलेगा। देखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड करो और जितने प्यार से हम लोग इसको निकाले थे उतने प्यार से रख देना है। सीख लीजिएगा इस आप में से बहुत कोई का अगर जॉब नहीं नौकरी लग जाता है और जापान में आए आप ट्रेनिंग करने के लिए, तो आपको करना पड़ेगा लगभग रोज, लगभग क्या रोज ही करना पड़ेगा। नहीं तो फिर यहाँ के गुरु जी लोग बहुत अच्छे हैं, तुरंत इंसान से जानवर बनाने में लेट नहीं करते। वैसे बेल्ट को अगर नहीं भी पॉलिश करेंगे तो चलेगा। देखिए अभी भी चमक रहा है बेल्ट। और अब इसको रख देंगे, पहले वहाँ टांगे थे अब इसको रख देंगे बैग में। इतना पढ़ना भी है बताइए, एग्जाम है। इसको बैग में रख देंगे और अपना एंकलेट बाद में रखेंगे। और ये पॉलिश करने वाला कपड़ा जाएगा बेड के नीचे। बाकी बचा हुआ पित्तल पॉलिश इसके अंदर वापस आएगा। हो गया ना बेल्ट पॉलिश। अब आपको जूता पॉलिश करने क्या ही दिखाया जाएगा, आपको तो आता ही होगा। और नॉर्मली पॉलिश होता है
कोई बड़ा बात नहीं है अभी नहीं, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे जूता पॉलिश करने के बाद। कल का अपना सारा काम तो हो गया गाइस, चलिए चला जाए थोड़ा सा बाहर, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि अब ऐसा फील हो रहा है हमको कि हमको फल भी खाने का ज़रूरत है। वहाँ पे बचत पार्टी का रोल कॉल हो रहा है गाइस, लेकिन मुझे क्या, मैं तो ड्यूटी पार्टी हूँ, रोल कॉल वगैरह ड्यूटी पार्टी का नहीं होता है गाइस, होता है लेकिन आज हम लोग का छुट्टी भी लेट से हुआ तो आज हो सकता है नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं बाजार, बाजार से तो आ गए हैं, चलते हैं अब खाना खाने के लिए, इससे पहले भीड़ हो जाए। और यहाँ पर गुरु जी लोग का रोल कॉल होते हुए बड़ा भीड़ है, होगा भी क्यों नहीं गाइस, यही माहौल ही चल रहा है। खा पी करके तो आ गए हैं, और आज पता है आज पूरा दिन हम निश्चिंत थे कि आज ड्यूटी करके तो आ गए हैं, कल एटलीस्ट हमें ड्यूटी नहीं लगेगा, लेकिन सर बोले सरप्राइज़, ऐसे कैसे मेरे रहते हुए तुम ड्यूटी नहीं करेगा। फटाक से ग्रुप में सर मैसेज डाले कि कल ड्यूटी है अपना, क्या ड्यूटी है ये तो नहीं पता, वो तो पुलिस लाइन जाकर ही पता चलेगा, तो ड्यूटी अपना करना तो पड़ेगा ही। मज़ा आता है गाइस ड्यूटी करने में, लेकिन कभी 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 नहीं भी आता है, लेकिन करना पड़ता है, कोई बात नहीं, इसी के लिए बहाल ही हुए हैं। बेकार है हम थोड़ा जज्बाती हो कि अपना कल जूता उतना पॉलिश और बेल्ट वेल्ट पॉलिश कर लिए थे, कल ट्रेनिंग ही नहीं है तो फिर सब मेहनत बेकार चला गया, लेकिन जूता तो मैनेज है, जूता तो नहीं करना पड़ेगा, एक बार ब्रश मार देंगे साफ हो जाएगा। बेल्ट भाई एक दिन से ज़्यादा रख रहे फिर वही वापस काला हो जाता है, फिर वैसे ही घिसो उसको आराम से, लेकिन कोई नहीं फिर भी घिस देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब मैनेज है। आज तो अपने एग्ज़ाम ड्यूटी था और काफ़ी बढ़िया भी गया, पहला एक्सपीरियंस था गाइस एग्ज़ाम ड्यूटी का, वो भी काफ़ी बढ़िया रहा, अच्छे से हो गया सब कुछ। और आज एक दीदी मिली थी हमको सेंटर पे, जो दिल्ली से आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, ये JPSC सिविल जज का, उनका फ़ोन का चार्जर ही ख़त्म हो गया था, तो हमको बोली कि आपके पास चार्जर है, लेकिन मेरे में तो लाइटनिंग केबल लगता है, उनका टाइप सी था, तो हम बोले ठीक है रुक जाइए 2 मिनट, अपने कैंप से उनको ये पावर बैंक और चार्जर ला के दे दिया, मस्त दीदी अपना आराम से चार्ज कर ली और ढेर सारा थैंक यू बोली। दीदी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो यू मोस्ट वेलकम, जज बनने के बाद हमको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। खैर कोई नहीं, ये तो हो गया एक्सपेक्टेशंस, अब रियलिटी में आते हैं, और रियलिटी ये है कि कल अपना ड्यूटी है 6:30 बजे ही, तो हमको जल्दी सोना पड़ेगा गाइस ताकि जल्दी उठे। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात आप सबसे बोलना चाहेंगे कि आज एक भाई हमको बोले थे कि सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। गाइस जो अपना मोटिवेशन होता है ना, वो अपने अंदर ही होता है, आपका विल पावर अपना आप स्ट्रांग रखिए, उससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और अभी तैयारी के दौरान हम समझ सकते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को ये देख के सोच रहेंगे, अरे यार उसका दौड़ अच्छा है, मेरा दौड़ उससे ख़राब है, उसका रिटर्न अच्छा है, मेरा रिटर्न ख़राब है, तो ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, सब अपना अपना स्पीड पर चलता है, सब अपना अपना कम्फर्ट जोन के हिसाब से चलता है। आप कभी भी सेल्फ डाउट में मत रहिएगा, कभी खुद पर डाउट मत करिएगा, वो अपना अलग उसका स्ट्रेंथ है, आपका अलग अपना स्ट्रेंथ है, खुद पर विश्वास रखिएगा। जब तक से आप खुद पर विश्वास नहीं रखिएगा ना, कुछ भी आपका काम नहीं करने वाला है, तो खुद पर विश्वास रखिए और बस जैसे मेहनत कर रहे हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, पक्का आपको सफलता मिलेगा। और फिर भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है इस, तो एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा कि उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे, और आपको उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना ही पड़ेगा, उसमें कोई अगर मगर लेकिन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा उनके लिए, उनके खुशी के लिए, क्योंकि उनके खुशी में ही कहीं ना कहीं आपका खुशी है, तो इसी चीज़ को समझिए और इसी को मोटिवेशन मान के आगे बढ़िए। लेकिन फिर भी वो भाई मोटिवेशन के लिए 2 लाइन बोले हैं, तो हम अपना पर्सनल फेवरेट जो मेरा मोटिवेशन का लाइन है, जो हमको बहुत मोटिवेट करता है, कभी भी हमको ऐसा कुछ होता है, मतलब थोड़ा सा हम जाने लगते हैं दूसरे जोन में, तो ये लाइन हमको अपने जोन में ले आता है, और वो लाइन है कि रख हौसला बुलंद व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये जो लाइन है गाइस जी, हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है, और आज से ही नहीं, मेरे स्कूल टाइम से ही हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। हम शायद किसी मोटिवेशनल स्पीकर के ही मुंह से ये सुने थे, या कोई IAS या IPS अपने स्पीच पे बोले थे, उस दिन के बाद से ये कहावत हमको बहुत अच्छा लगा है, और ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमको। एक तरह से मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, घर वालों से बात करने के बाद यही है जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ फटाक से वीडियो एडिट करके सोते हैं, आप भी बोलिएगा कि बताइए मोटिवेट करके सोने का बात कर रहा लेकिन कोई बात नहीं गाइज। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक नहीं एक्चुअली Insta ID मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्लीज़ थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, सर्च करके आपको थोड़ा फॉलो वॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, और भारत माता की जय।